इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। गाड़ी रोको प्लीज, मेरी तबीयत खराब हो रही है। जल्दी करना, थोड़ी टाइम ना अपने पास। काम करो, पर्स सोने की घड़ी सब लूट लो, चलो जल्दी करो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सोनम है, मैं 3 साल से कैद हूँ। मैं ये भी नहीं जानती मुझे कहाँ कैद करके रखा गया है। बड़ी मुश्किल से आप तक ये खत पहुँचा रही हूँ, मुझे इन जल्लादों से बचा लो साहब। आपने नाम से कोई डाक आई? मैं बड़ी मुश्किल से आप तक ये खत पहुंचा रही हूँ, मुझे इन जल्लादों से बचा दो साहब। किसी लड़की को 3 साल तक कैद कैसे करके रख सकते हैं? अटपटा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हो सकता है शायद ये वाकई लड़की किसी मुसीबत में है। अगर इसने हमसे मदद मांगी है तो हमें पता करना होगा कि आखिर ये लड़की है कौन। तुमने जवाब नहीं दिया। देखना, तेरी मालकिन तो है नहीं, इस महंगाई के जमाने में प्यार तो है ही नहीं। सात खुराक तो खाते ही इस बार बेटा ही होगा। मासा ऐसा क्यों बोल रही, बेटी भी तो हो सकती है ना। आराम से बेटा। अरे तू कहाँ फुदक रही है और रो क्यों रही है, क्या हुआ? अरे डरती है, कॉकरोच से डरती है। हे भगवान, रसोई में कॉकरोच कहाँ से आ गया? जाने दीजिए मासा, बच्ची है। अब ज्यादा सर पे मत चढ़ाई से। और तू मेरा मुंह क्या देख रही है, जाके अच्छे से किचन की साफ सफाई कर। चाली, तू यहाँ क्यों आई? मैं मुझे काम पे नहीं जाना है। वहाँ का मालिक बहुत ही गंदा आदमी है, मेरे साथ होता है ऐसा।
ये 205 कहाँ है? साहब अब बात क्या है? हम राजसमंद पुलिस, सोनम यही रहती है क्या? क्या बात है, आप जवाब नहीं दे रही हैं? क्या लगती है सोनम आपकी? सोनम दीदी मेरी बड़ी बहन है। कहिए ये क्या सोनम? हाँ ये मेरी बेटी सोनम है, पर इसकी फोटो आपके पास कहाँ से आई? क्या बात है? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए कि सोनम है कहाँ? क्या हुआ, आप कहीं कोई छुपा तो नहीं रही है? नहीं साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि हमारे पास ये फोटो और खत मिला है हमें, और इसमें लिखा है कि सोनम 3 साल से कहीं कैद में है। अब आप बताइए कि सच्चाई क्या है? अरे सोनम कैद? कहाँ कैद है मेरी दीदी? आप लोग नहीं जानते क्या? हम कैसे जानेंगे सर? हम खुद परेशान, 3 साल से सोनम के लिए। 3 साल पहले वो खो गई थी, तब से आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। तो सोनम 3 साल से गायब है, और आपने MPR तो लिखवाई होगी ना? FIR है? FIR? नहीं साहब। मतलब आपकी बेटी 3 साल से गायब है और आपने FIR भी नहीं की? नहीं नहीं साहब, हमने कोशिश की थी रपट लिखवाने की, कौन पुलिस वाला हमारी सुनता है? किसी ने FIR नहीं लिखी। अच्छा, तो कौन से थाने में लिखवाई थी आपने FIR? कोटा थाने में। तो आप यहाँ रहती हैं भरतपुर में? हाँ, पर वो सोनम कोटा में खो गई थी ना, वो वहाँ कोटा में काम करने गई थी, फिर उसका पता ही नहीं चला। कहाँ काम करती है कोटा में वो? अब मालूम नहीं, सोनम ने हमें कुछ नहीं बताया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर नहीं मिली। साहब अब आप हमारी चोरी को ढूंढिए, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ साहब, प्लीज मेरी दीदी को ढूंढ लीजिए। सर मुझे इनके आंसुओं पर 1% भरोसा नहीं है सर। मुझे भी लग रहा है ये सब कुछ बातें छिपा रहे हैं। एक काम करो, इनकी फैमिली पे डिटेल निकालो, और आप कोटा थाने से कंफर्म करो कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, ठीक है? रात समन से तू इत्थे आई, और थारे पीछे रात समन पुलिस, तू ही लेके आई ना पुलिस को? नहीं भाई, मैं क्यों ले आऊंगी? झूठ मत ही बोल, इनको कैसे पता चला सोनम 3 साल से गुमशुदा है? गुमशुदा भाई, आपने तो कहा था कि आपने सोनम दीदी को काम पे भेजा है, और अब आप कह रही कि गुमशुदा है वो, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था ना? नहीं, हम जानते हैं सोनम कहाँ है। तो सोनम दीदी ने पुलिस को खत क्यों भेजा, और वो कैसे भेज सकती है? वो शायद हमारे किसी दुश्मन का काम है। तू रात समन वापस जाओ और अपना काम जल्दी खत्म करके आ। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, और मुझे मालूम है कि सोनम दीदी को भी एक काम से गिन हो गई थी। इन पीढ़ियों से चलता आ रहा है हमारा ये काम, धर्म है हमारा, ये गुनाह है, इसीलिए बापू पुलिस वालों ने उनको गोली मार दी थी, और आप अब हम दोनों को अपराधी बनाना चाहती है। अपराधी नहीं है हम, हमारे साथ हमेशा हमेशा ना इंसाफी हुई है। नहीं भाई, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सोनम दीदी को मिलवा नहीं देती, उनसे बात नहीं करवा देती। फिर वही सिद्ध बोला ना तुझे,
सोनम जहाँ काम कर रही है वहाँ से वो बात नहीं कर सकती, समझ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ भी मेरी तरह सोनम दीदी को मजबूर कर रही हो काम करने के लिए? जो समझना है समझ लो, लेकिन अगर तूने रात समझ जाकर अपना काम खत्म नहीं किया ना जल्दी, तो अपनी सोनम दीदी से तू कभी नहीं मिल पाए। वो भी तड़पेगी, तू भी तड़पेगी। दीदी आप क्यों रो रहे हो? ठीक, किसने मारा आपको? ती रोना तो बंद करो ना, बताओ ना कुछ तो, किसने मारा? बड़े बड़े फायदे के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। कुर्बानी? नहीं, कैसे कुर्बानी? जब कुर्बानी देने का तेरा नंबर आएगा ना, तब तुझे भी समझा देंगे हम। बाहर जा, बाहर जा। बस बहुत बुरा हुआ सोनम, हमारे आदमी टाइम पे पहुंचे नहीं और टारगेट ने तुझे नोच दिया। कोई नहीं, ये देख, हल्दी वाला दूध पी ले, आराम मिलेगा। मम, मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं थक चुकी हूँ ये सब करते करते। एक काम करो, आप मुझे जहर ही दे दो। चुप, एकदम चुप। समझ ले एक बात, यही हमारी जिंदगी है और यही रहेगी। हमारे समाज में औरतों को मर्दों से ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, तो फिर इन औरतों की कहानी क्या है? जहां एक तरफ ज्योति नाम की एक औरत सबसे पहले एक मर्द को अपने जाल में फंसाती है और फिर उसकी हत्या कर देती है, वहीं दूसरी तरफ एक माँ अपनी बेटी उजाली को एक ऐसी जगह पर काम करने के लिए मजबूर करती है जहाँ हर रोज उसका यौन शोषण होता है। ऊपर से एक और राज कि उजाली की बड़ी बहन सोनम पिछले 3 सालों से गायब है। इस अपराध का परिवेश बेहद विचित्र है। इस केस में माँ, बेटी, बीवी, बहू, औरत के हर उस रूप से जुड़ा हुआ है जिसे समाज में हम मान सम्मान और गरिमा का प्रतीक समझते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि औरत की संवेदनशीलता संवेदनहीनता में बदल गई, सोने पर पीतल का खोट लग गया? एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ एक हिंसक पशु की तरह अपने बच्चों को खाने पर उतारू हो गई। ये एक ऐसी कत्लेआम की दास्तान है जिसके पीछे सालों पुराना इतिहास छुपा है। लेकिन उजाली ने एक उज्जवल भविष्य के ख्वाब देखे थे, लेकिन वर्तमान में उसकी बहन सोनम कहाँ थी? क्या अतीत का काल उसे खा चुका था? आखिर पुलिस तक ये खबर पहुंची कैसे? राज क्या है इस गुनाह की दुनिया का? तेरे लिए एक तोहफा लाया हूं, देखेगी? ज्योति को भी ना इसकी मैंने खबर ना होने दी, छुपा के लेके आया उससे सोने की चेन। कैसी है? अरे क्यों हो गया, खूनी तो है। गुलशन, तू मुझसे दूर रहे। जिसके हाथ लोगों के गले काटते हो ना, मुझे उसका हाथ नहीं थामना। गले काटना धर्म होता है हमारा, भूल गई तू? तेरी माँ ने क्या बोला था? 6 खून और फिर उसके बाद मेरी तेरे से शादी पक्का, सुन रही है ना? तेरे से शादी करने के लिए ना मैं वहां पे लोगों का मर्डर कर रहा हूं। सुन, अब सिग्नल दे दियो, तू सिग्नल देगी तभी मैं आऊंगा, और अगर तूने ना दिया ना सिग्नल तो मैं इंतजार नहीं करने वाला। अब बहुत हो गया, घर में घुस के मार डालूंगा सबको मैं। याद है ना सफेद रुमाल छत के ऊपर शाम को? सोनम से मिलना चाहती है ना तू? चाहती है ना? तो बस जो कह रहा हूँ वो, और ये चेन पहन के आइए।
बावली कहाँ मर गई तू कल रात से? वो मैं मौसी के यहाँ पे चली गई थी, उनकी तबीयत खराब है ना। तुझे इसीलिए तनख्वाह देती हूँ तो घर के काम काज छोड़ के घूमती फिरे? मासा मासा मैं सब समझा देता हूँ, आप जाइए। जहाँ भी जाया कर तो बता के जाया कर ना। कल रात से मैं तड़प रहा हूँ तेरे। बस ऐसे ही नजर बना के रखना अपनी होने वाली जोरू पे। अगर तूने रात समझ जाकर अपना काम खत्म नहीं किया ना जल्दी, तो अपनी सोनम दीदी से तू कभी नहीं मिल पाएगी। देते मेरे को आज सफेद रुमाल छत के ऊपर शाम को। छोड़ो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? लाली लाली, तेरा वीडियो बनाया मैंने, कपड़े बदलते हुए बहुत खूबसूरत लग रही हो। दीदी मैंने आपको एक बात बता दी है। हाँ। वो साहब ने ना मेरी ये लाली भी ना कपड़े भी नहीं सुखाती ढंग से। दीदी मैं सच कहती हूँ, मैं झूठे ही बोल रही हूँ। कोटा थाने से पता चला कि सोनम के बारे में कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करेगी। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही? लेकिन झूठ बोलने की वजह क्या होगी? और सवाल यह है कि अगर ये खत और फोटो सोनम ने हमें भेजा है तो क्या सोनम की माँ ने उसे कहीं छुपा के रखा है? हो सकता, लेकिन किस मकसद से? सर जैन, कंट्रोल रूम से कॉल आया सर, सुशील नगर में मर्डर हुआ।
ये इनकी पड़ोसन, इन्होंने ही कॉल किया था। अब वो ये सब? सब वो तो पता नहीं है, मैं तो मधु से मिलने आई थी। कौन है ये सब? ये मधु है, वो संजीव है, ये इनकी सास है। और कौन कौन इनकी फैमिली? सर यही तीनों रहते हैं और इनकी एक मेड है सर, लाली। ये लाली कहाँ रहती है? सर ये तो पता नहीं। तो सर लाली तो गायब है। सर एक इम्पोर्टेंट बात पता चली सर, यहाँ एक सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की देखी गई सर, जो कोई और नहीं सोनम की बहन है सर। तो इसका मतलब सोनम की बहन लाली हो सकती है सर। ठीक है, लाली को पकड़ते हैं सर। सर यहाँ तो ताला लगा। भाई साहब वो जो सामने घर है उसका ताला लगा हुआ है, वो लोग कहाँ हैं? सर ये लोग तो आज दोपहर ही ताला लगा कर चले गए, ये कुछ अभी 2 महीने पहले ही आए थे, बड़े अजीब लोग थे सर। इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे ना ही संजीव के मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी और ना ही सोनम के गायब होने का किस्सा सुलझेगा। एक काम और करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इनकी डिटेल सर्कुलेट करो, जल्दी। सर जी सर, मुझे संजीव और उसकी फैमिली के मर्डर केस के बारे में और उस लड़की के बारे में एक अहम जानकारी मिली है। तुम एक काम करो, एक पुलिस टीम लेके जल्दी से टैंकी के पास पहुंचो। जी सर। अरे कहाँ हो तुम? अरे तुम सुशील मर्डर केस के बारे में बताने वाले थे ना, मैं पहुंच गया हूँ। अरे मैं तो टैंकी के ऊपर हूँ, तुम तो यहाँ बोला थाने के लिए। ठीक है आ रहा हूँ मैं। अरे हाँ कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। क्या बताने वाले थे? केस से पर्दा उठाना चाह रहा था ना तू? अरे कोई ऊपर उठा देता हूँ। बहन सोनम का राज जो का त्यों बना हुआ था, वही दूसरी तरफ उजाली सोनम और उसकी मां की तलाश में जुटे एक पुलिस अधिकारी की हत्या इस केस को क्रूरता के एक नए आयाम तक ले गई थी। उजाली से शादी करने के लिए 6 कत्लों की शर्त, आखिर राज क्या था? स्वयंवर की बहुत सारी कहानियां हम सुन चुके हैं, लेकिन इसकी व्यथा क्या थी? ये तो साफ है कि उजाली कई वहशी लोगों के बीच फंस चुकी है और अपनी बहन सोनम को नजर भर देखने के लिए न चाहते हुए भी एक परिवार का नरसंहार देख चुकी है और अब उसकी मजबूर आंखें एक दूसरे परिवार का नरसंहार की साक्षी बनने जा रही थी। अरे सरताज उतार दे उसको। देश को काम देख उजाली, आज से तेरा नाम शशि है, शशि। सही से सिग्नल देना। डरने की कोई बात नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, जैसे ही मौका मिले ना सिग्नल दे दिए। और सुन, शादी तो मेरी तेरे से ही होगी, दौड़ी मैं तेरे घर ही लाऊंगा, याद रखती है बात। चल जा। शशि, मेरे भाई ने बात की थी ना आपसे। नाम तो बड़ा अच्छा है, पर काम भी अच्छा कर लोगी ना? वैसे तो मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ,
लेकिन मेरी कोठी बहुत बड़ी है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। जयन सर, इस थाने के सभी फाइल हैं। ऐसा कौन सा क्रिमिनल पैदा हो गया जो नारायण जैसे पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया? सर, हमें ताज्जुब हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। तो आप लोगों को गुस्सा आना चाहिए, ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंजिंग बात है। अगर इस मर्डर में लाली और उसका माँ का हाथ है तो ये हम सबके लिए डूब मरने वाली बात है। हमें ये जानना जरूरी है कि नारायण जी को वाकई में पता चल गया था कि सोनम कहाँ कैद थी, या फिर मसला कुछ और है। सर, मामला हमें भी समझ में नहीं आ रहा सर। वो लड़की और उसकी माँ जिस घर में रहते थे उस मकान मालिक को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है सर, और ना ही वो संजीव के घर कैसे पहुंची इसका पता चल पाया सर। तो सिंह साहब, हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इन औरतों के साथ कुछ क्रिमिनल और भी जुड़े हुए हैं। आप लोग एक काम करिए, NCRB से ये पता लगाइए कि इन माँ बेटों के नाम पर कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। है तो क्या क्या आप लोग ने ये पता लगाया कि वो कुरियर कहाँ से आया था? सॉरी सर, कुरियर के बारे में तो पता नहीं किया। प्लीज पता करिए, प्लीज। हमें जल्द से जल्द नारायण जी के कातिलों को पकड़ना है और उन सारे क्रिमिनलों को। तुमको बोला था ना मुझसे ज्यादा चला कीमत दिखा। कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरे सिग्नल का। अरे धीरे धीरे क्या होता है? सुनम, 24 घंटे हैं तेरे पास, पूरे 24 घंटे। तेरे ना उस PI को कब का मार दिया मैंने, और सिर्फ अब मेरे को इसको जगदीश को टपकाने में ज्यादा देर ना लगेगी। अगर तूने सिग्नल ना दिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद आप ही मार दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बात दिक्कत नहीं, मैं खुद से समझ रही ना, जान है तुम्हारी। दिमाग खराब हो गया। भाई का फोन आया था, चुराए हुए गहने सोने के को देने जाना है। चल, जा रहा हूँ मैं, आऊंगा फिर दोबारा तेरे पास। चल 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 शशि, यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान आने वाले, खाने की तैयारी करो, जाओ। जी 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 साहब। ऐसे गिरोह चोरी किए माल को कहीं ना कहीं बेच देते हैं। आप लोग एक काम करिए, आप लोग ऐसा दुकान ढूंढिए जो चोरी किए माल को खरीदते हो। सर, उस NCRB डाटा में फोटो वाली लड़की सोनम का मैच मिला है सर। उस लड़की के नाम पे 2 मर्डर और 4 लूट की घटनाएं हैं सर। उस लड़की ने 4 साल पहले कल्पना बनकर विक्रांत नाम के लड़के को लूट लिया और मर्डर करके फेंक दिया। उसी तरह संजना बनकर एक लड़के को फंसाया और उसका भी मर्डर कर दिया सर। मतलब सिर्फ नौकरानी लाली नहीं, उसकी बहन भी नामी क्रिमिनल है। पर ऐसी लड़की को कोई कैद कैसे कर सकता है? और सोनम का फोटो नारायण जी को भिजवाना, इसका क्या चक्कर है? आप लोग एक काम करिए, कुरियर ऑफिस जाइए और ये कुरियर किसने भेजा ये पता लगाइए। कहीं ना कहीं ये लोग अपने अगले शिकार की तलाश कर रहे होंगे। पूजा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम रूही को सगी माँ का प्यार दोगी और रूही भी तुम्हें इतना पसंद करने लगेगी। यार, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? रूही मेरी सगी बेटी है, और प्लीज आगे से ये सब मत बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत अच्छी हो पूजा। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और हमें बताओ कि हम आए कहाँ है। जरा सब्र करो मेरी जान, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। जस्ट वेट एंड वॉच। Thank you.
यादव हम कहाँ आए और कितना सस्पेंस। थोड़ी तसल्ली रखो, सरप्राइज है। अब रोहिंग मेरा बच्चा, कैसा है तू? मैं अच्छी हूँ। अरे वाह। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। तो ये था सरप्राइज, कैसा लगा? ये नंदिनी के पापा हैं। नंदिनी के जाने के बाद जब मैंने तुमसे शादी कर ली तो पापा मुझसे बहुत नाराज रहने लगे थे। पुरानी बातें भूल जा बेटा। जब रूही ने पूजा की तारीफ की तब मुझे तसल्ली हुई, और पूजा ने रूही की लाइफ में आके मेरी बेटी की जगह ले ली। पापा ये लड़की? ये शशि है, हमारे घर की नौकरानी। ये कुरियर आपके यहां से क्या गया? जी सर। आप बता सकते हैं किसने किया ये? सर कई सारे लोग आते जाते रहते हैं इधर। अच्छा, सर ये तो वही लड़की लाली है जो संजय के घर पर काम करती थी। आपने इस लड़की को पहले देखा है? नहीं सर, ये तो पहली बार ही आई सर। इस लड़की को देखिए, ये आई है कभी आपके यहाँ? सर देखा तो नहीं है। सर ये टैटू भी उस लड़की के हाथ में था। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आपको पता है मैं आपको 3 साल से तरस गई हूँ देखने के लिए। मैंने पुलिस में आपका फोटो कुरियर किया ताकि वो आपको ढूंढे। लेकिन आप यहाँ कैसे? माँ ने भी जाना आपको पूजा बना के? मैं तो माँ के डर से 3 साल पहले भाग गई थी यहाँ से। क्या आपको नहीं पता था कि आप कहाँ हो? अगर उन्हें पता होता ना तो वो मुझे कब को मरवा देती। इसीलिए मैं दौड़ चली गई और रमेश जी की कंपनी में काम किया और फिर मुझे उनसे प्यार हो गया। मैं आपके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। आखिर आप तो इस नर्क से बाहर निकल गए। लेकिन रमेश जी को मेरे अतीत के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे काले अतीत का सारा रमेश जी पे पड़े। लेकिन चलो तुम यहाँ कैसे? कहीं माने तो तुम्हें नहीं आंधी गई। वो मुझसे सब करवा रही है दीदी। मैं तो अब उनकी एक बात नहीं सुनूंगी, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। आप लोग यहाँ से निकल जाओ, लोग कभी भी आ सकते हैं। अरे मौसी, इस जाली को ना उस बुड्ढे जगदीश से भी हमदर्दी हो गई है। हैं? क्या करूं मैं इसका? गुलशन सुन, वो लड़की को बोल अलवर से निकल के बहुत दूर जाना है उसे। पता है ना राजसमंद की पुलिस पीछे लग गई है हमारे। जल्दी निकाल उसे। तो फिर मैं काम कर देता हूँ। भाड़ में गया उस जाली का सिग्नल, मैं खुद ही जाके जगदीश को मार देता हूँ।
हमेशा मारू गैंग के लोग ही रखा करते थे। इन समुदाय के लोगों का गुनाह का इतिहास सालों पुराना है। अक्सर ये लोग राह चलते लोगों को लूटते और उनका खून कर देते। फिर धीरे धीरे इनके समुदाय में एक नई परंपरा शुरू हुई। इनके गिरोह का हर एक मर्द कम से कम 6 बार मर्डर करता और पुलिस रिकॉर्ड में भी इनका नाम 6 मारू के नाम से जाने जाता। फिर कुछ वक्त बाद इनका गैंग खत्म हो गया, क्योंकि कुछ साल पहले इनके गैंग का मुखिया पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। शायद उसके बाद ऐसे लूट और हत्याओं के मामलों को कभी इनसे जोड़कर देखा नहीं गया। हो सकता है कि इन समुदाय की औरतें शायद अब ये गैंग चलाती हो। इस गिरोह के लोग कई इलाकों में फैले हुए हैं सर, इनको पकड़ना मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है। आप लोग एक काम करिए, ऐसे केसेस से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड्स निकालिए, उन्हें अच्छे से स्टडी करिए, शायद इस गिरोह तक पहुंचने का कोई सुराग हमें मिल सके। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि ये चोरी किए हुए गहनों को खरीदने वालों का पता लगाइए। क्या हुआ? हेलो, देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें ला करके दूंगा, बस प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। क्या बात है, मेरी बेटी से शादी भी कर ली और ताली को भी पटा लिया है? अरे बड़ी प्यारी बच्ची है तेरी। पांच करोड़ लगेंगे तेरी बच्ची पे। 5 करोड़? पर इतना पैसा मैं एकदम से? एक दिन दिया तेरे को, इंतजाम कर ले। और सुन, 5 करोड़ के साथ मुझे मेरी दोनों बेटियां भी चाहिए। पैसे और मेरी दोनों बेटियां भेज दे और ले जा अपनी बच्ची को। हेलो हेलो, कौन हो तुम लोग? बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम लोग? तुम लोग रूसी गैंग के मेंबर हो ना? वो हमारी माँ है। आप जैसे समझ में वैसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा धोखा, अगर तुझे दौलत चाहिए थी तो पहले बोल देती। मेरी बेटी का इस्तेमाल क्यों किया? मेरी बेटी को बीच में क्यों लाई? प्लीज रमेश, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सच पहले ही बता चीजा जी। चुप, खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ा, तुम दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करके मानूंगा। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। नहीं चीजा जी, आप पुलिस को इन्वॉल्व करोगे तो रूही की जान को खतरा हो सकता है। मैं जानती हूँ कि रिदिन आपसे झूठ बोला, लेकिन इनकी नीयत में बिल्कुल भी खोट नहीं था। अब कम से कम रूही के बारे में तो सोचिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर हमसे गलती हुई है ना तो हम ही रूही को वापस लेके आएंगे। आ गया तू? 5 करोड़ और मेरी दोनों बेटियों को भेज दे, फिर मैं यहां से छोड़ती हूं तेरी चोरी को। रानी, चोरी को ले आ। छोड़ी से।
रूही। वाह क्या बात है, आखिर मारी छोरी है, कमाल कर दिया। पैसे भी आ गए, छोरी भी आ गई, वाह दिल खुश हो गया आज मेरा। अम्मा तो तारीख पक्की कर लो शादी की, शहनाई बजने वाली है, शहनाई। ला पैसे ला। क्या कर रही है उजाली, नीचे रख बंदूक। अरे कुछ करो कोई, गुलशन बोल ना इसे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। माँ माँ ने संगीता दी, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद की। हमारी जैसी माँ होने से अच्छा है ना हम मनाते ठीक है। बहुत खेल खेल लिया तुम, बाकी का खेल जेल में बैठकर खेल, समझी? ले चलो सबको। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते लेकिन वर्तमान को बदलना भी इतना आसान नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है जो अपराध की दुनिया से वापसी करना चाहते हैं। उजाली और सोनम के जज्बे की हम सराहना करते हैं, साथ साथ हम कानून से भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी लड़कियों को वो प्रोत्साहन दे ताकि वो एक अपराध मुक्त जिंदगी जी सके। लेकिन सवाल ये भी है कि हमारा ये समाज क्या उन्हें वो छवि दे पाएगा। रूही सोनम को अपनी माँ मानती है लेकिन क्या रविश उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा? उजाली और सोनम जैसी लड़कियों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी कई संस्थाएं हैं जो दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन इस कोशिश को सार्थक करने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। बुरे से बैर होना जायज है लेकिन बुरे से सतर्क रहना आवश्यक है। बुरे की बुराई एक तरफ लेकिन उसके अंदर जो इंसानियत है उसे हमें जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।